बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी 9 क्लास बायोलॉजी का 7वां लेक्चर है, जो इस पहले चैप्टर से ही ताल्लुक़ रखता है, जो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्टडीज़ ऑन ह्यूमन वेलफेयर, यानी इंसानी ज़िंदगी पर बायोलॉजी की स्टडी के, बायोलॉजी के मुताले के इंसान की फलाह बहबूद में क्या असरात मुरतब होते हैं, किस तरीके से इंसानी फलाह बहबूद में हम बायोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इस वीडियो को देखें, पर उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्टडीज़ में सबसे पहला इम्पैक्ट जो हम देखते हैं इसका, वो है प्रोडक्शन ऑफ फूड, फूड प्रोडक्शन। यानी हम देखते हैं कि इसके ज़रिए बायोलॉजिकल स्टडीज़ में हमने इंसानों ने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मुख्तलिफ़ किस्म की क्रॉप्स के लिए मुख्तलिफ़ जो है वो खादें तैयार की, और उनके इम्प्रूवमेंट के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट बनाए, और उसमें स्टडी के अंदर इसकी स्टडी में जो इस पर के मुख्तलिफ़ रिसर्च की, और इस तरह हमारी जो है फूड प्रोडक्शन जो है वो बढ़ी और मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स यूज़ हुई। इसी के साथ साथ ये स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि बायोलॉजी की स्टडीज़ से जो है वो हेल्थ डिज़ीज़, हेल्थ पर और डिज़ीज़ पर बहुत काम हुआ, कि इंसानों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उन प्रॉब्लम्स को डिस्कवर किया गया इस बायोलॉजी की स्टडीज़ में। इसी के साथ साथ मुख्तलिफ़ बीमारियों को ख़त्म करने के लिए उनकी जो है वो स्टेप्स लिए गए, और उसकी जो है ना वो दवाइयाँ वगैरह तैयार की गई, न्यू मेडिसन्स तैयार हुए, वैक्सीन्स तैयार हुई, एंटीबायोटिक्स पर काम हुआ और एंटीबायोटिक्स तैयार हुई मुख्तलिफ, और इसी तरीके से मेडिकल इक्विपमेंट तैयार हुए। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत काम हुआ, पोल्यूशन पर काम हुआ और इन्वायरमेंट पर काम हुआ, और उसी तरीके से जो है वो इन्वायरमेंट, जैसे आपको पता है पोल्यूशन डिफरेंट टाइप्स की हैं, एयर पोल्यूशन है और वाटर पोल्यूशन है, तो ये सारी पोल्यूशंस पर जो है वो इसमें काम हुआ। इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई कि किस तरीके से पोल्यूशन को कम किया जाता है, प्लांट्स को बढ़ाया जाए और एनिमल्स में किस तरीके से ये इफ़ेक्ट्स को कम किया जा सकता है, और प्लांट्स बढ़ाकर किस तरीके से जो है वो इंसानी जो है वो सेहत को बरकरार रखा जा सकता है। इसी तरीके से हमारे पास जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए पर काम हुआ, जीन्स पर काम हुआ, और मुख्तलिफ किस्म के जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, इनके जो इम्प्रूवमेंट के काम हुए, और उनके ऊपर बहुत सारा क्रॉप्स में काम हुआ जेनेटिक इंजीनियरिंग में। इसी तरीके से हम देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है, जो इंसान के लिए जो बनाई गई डायबिटीज़ जो पेशेंट थे उनके लिए, और उसमें जो है वो ये भी इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है ये भी बायोलॉजी की स्टडी का एक हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर का चूँकि ये आखिरी लेक्चर था, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो इसके साथ साथ इसकी एक्सरसाइज जो है वो अभी मेरे साथ आप लोग सॉल्व करें। एक्सरसाइज में सबसे पहले ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को अब आपने करना ये है कि मैं आपको 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इसे फिल करें, फिर उसके बाद हम इसके आंसर्स को कंफर्म करेंगे। इसी तरीके से ट्रू फॉल्स है, मैं आपसे पूछता रहूँगा स्टूडेंट्स, आपको अनम्यूट करके, जिससे मैं पूछूँगा वो जब बताएगा कि
कौन सा जो है वो स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। इसी तरीके से ये इंसर्कल करना है अप्रोप्रिएट आंसर को, ये भी मैं आपसे पूछता रहूँगा और हम सब मिलकर इसको सॉल्व करेंगे। आप लोगों से मैं आंसर लेता रहूँगा और आप लोग जो है जिसे इनके आंसर मालूम होंगे, नेक्स्ट पेज पर जिन्हें इनके आंसर मालूम होंगे वो हैंड रेस करेंगे मेरे सामने, तो हैंड रेस करके जो है ना वो मैं आंसर लूँगा और फिर उसके बाद आखिर में मैं आपको इन सब के करेक्ट आंसर जो है वो प्रोवाइड करूँगा। ओके, इसके बाद बेटे आज का जो होम असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट यही है जो अभी हमने एक्सरसाइज सॉल्व की, यानी इसका जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 है जो कि फिल इन द ब्लैंक एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स पर मुश्तमिल है, इसे आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।